हे hey गाइस आज मैं आपको इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ध्यान से देखो और लाइक ज़रूर कर देना तो शर्ट बनाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है इसको भी मैं फ़ोल्ड करूंगी तो इस फैब्रिक को हमने ऐसे उल्टी साइड से फोल्ड कर लिया है अच्छी तरह से ये फोल्ड वाली साइड से मैंने दो इंच का निशान लगाया है प्लेकेट के लिए मुझे चौबीस इंच की शर्ट चाहिए तो मैंने डेढ़ इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए तो ये साढ़े पच्चीस पर मैं निशान लगा रही हूँ लेंथ के लिए ये मैंने साढ़े पच्चीस पर निशान लगा दिया है और ये मैंने प्लेकेट की मार्किंग को ड्रॉ कर लिया है अच्छे से मेरा तिर चौदह इंच है तो मैंने उसका हाफ करके आधा इंच प्लस कर दिया और साढ़े सात पे निशान लगा दिया है साढ़े सात में आधा इंच और प्लस किया तो आठ हो गया और आठ इंच मैंने शोल्डर का निशान लगा दिया है थर्टी टू बस्ट को मैंने चार हिस्सों में डिवाइड किया और आठ में हाफ इंच का मैंने लूजिंग दिया और साढ़े आठ पे निशान लगा दिया बस्ट का बस्ट के नीचे सात इंच छोड़ के मैंने कमर का निशान लगाया साढ़े छः प्लस हाफ तो मैंने यहाँ पे सात का निशान लगा दिया थर्टी फोर को चार से डिवाइड करके मैंने उसमें हाफ इंच का लूजिंग दे दिया और यहाँ पर नौ पे निशान लगा दिया हिप का और फिर इन सारी लाइन्स को मैंने मिला दिया अच्छे से नेक की विथ मैंने दो इंच रखी है इसमें हम कमी रखेंगे क्योंकि कॉलर लगाना है और डेप्थ जो है वो मैं ढाई रख रही हूँ आप अपने हिसाब से तीन या ढाई रख सकते हैं और इनको मैंने फिर गुलाई दे दी है यहाँ पे कॉलर लगेगा तो ये फ्रंट साइड का मैं बता रही हूँ ये यहाँ से दो इंच का मैंने निशान लगा दिया और ये हमने योग का निशान लगाना है दो इंच हमने इसको कम कर देना है और फिर हम योग लगाएंगे तो ये मैंने दो इंच कम करके निशान लगा दिया है इसको हमने काट देना है ऐसे ही आम होल का शेप देने के लिए मैंने ये यह यहाँ से एक इंच का निशान लगा दिया है और अब इसको ऐसे लाइन को मैंने मैच कर दिया अच्छे से और अब हम इस पर गलाई का निशान देंगे आम होल का तो इस तरीके से मैं आम होल का शेप दे रही हूँ और ये फ्रंट साइड का हमारा आम होल हो गया अब ये नीचे हिप के पास मैंने दो इंच ढाई इंच पे हम निशान लगा सकते हैं दो पे भी मैंने दो पे लगा लिया है और यहाँ से हमने गुलाई देनी है नीचे से लेडी शर्ट में ऐसे एक गुलाई एक शेप होती है तो वो हम दे रहे हैं नीचे शर्ट को इस तरीके से आपको शेप दे देनी है बहुत सिंपल है और बस इसको भी काट देना जो हमने आ, प्लैकेट लगाई है उसको नहीं काटना बस ऐसे ही जो गला जैसे मैं काट रही हूँ देखिए गला पहले काट दिया और फिर ऐसे आम होल काट देना है और ये बाकी की शेप्स काट देना लेकिन आपको जो प्लेकेट है उसको बिल्कुल नहीं काटना है बस इसको मार्जिन दे देखिए मैंने काट दिया है यहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया प्लेकेट वाली साइड से बैक काटने के ऊपर फिर से फोल्ड किया फ़ैब्रिक को और ऊपर मैंने फ्रंट वाला पल्ला रख दिया है और उसका अब जो प्लेकेट वाला साइड है उसको मैंने बाहर की ओर रखा है और बस इसके ऊपर हमें निशान अभी लगाना है इसको ट्रेस करना है जैसे मैं काट रही हूँ देखिए पहले मैंने नीचे से काट लिया जैसे फ़्रंट था वो वैसे ही बिल्कुल काट लिया है लेकिन ये जो प्लैकेट है वो साइड पर है और अब मैं यहाँ पर बाजू की शेप दूंगी क्योंकि बैक की शेप थोड़ी अलग होती है तो इस तरीके से मैंने शेप दे दी और बाकी सब वैसे ही कटेगा और यहाँ से मैं स्ट्रेट मैंने लाइन लगा दी जो हमने दो इंच आ, किया था डाउन वहीं से बस निशान लगा के मैंने ये लाइन लगाई है तो ये दो इंच कम रहेगा हमारा बैक और बस इसी शेप के ऊपर मैंने इसको ऐसे ही काट दिया है बहुत इजी है बस मैंने जो उसको दो इंच माइनस किया है बैक को और कुछ नहीं किया और इसको ऐसे ही काट दिया है ये देखिए इसमें कोई प्लैकेट नहीं है क्योंकि बैक पे तो प्लैकेट नहीं होती तो ये मैंने बैक काट दी ऐसे ही मेरी बीस इंच की स्लीव है तो दो इंच कफ़ माइनस हो गया और यहाँ पे अठारह बचा तो अठारह में मैंने एक इंच मार्जिन प्लस किया तो उन्नीस हो गया और उन्नीस पे मैंने निशान लगा दिया कफ़ मेरा आठ इंच का है तो मैंने चार इंच पे निशान लगाना है और हाफ इंच प्लस करना है वो चुन टेक डालनी होती है इस पर प्लीट सी उसके लिए तो मैंने साढ़े चार पर निशान लगा दिया और एक इंच मैंने मार्जिन प्लस कर दिया है तो ये साढ़े पाँच मैंने नीचे बॉटम बॉटम पे लगा दिया स्लीव के स्लीव के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी तो मैंने यहाँ से तीन इंच डाउन कर लिया शर्ट पे मैंने आठ इंच का शोल्डर लिया था तो उसमें से मैंने हाफ इंच माइनस किया तो साढ़े सात आ गया और ये मैंने साढ़े सात में निशान लगा दिया एक इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ दिया तो ये साढ़े आठ हो गया टोटल अब इन लाइन्स को मैं ऐसे मिला दूंगी बॉटम से ऊपर इस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ अब मैं इसे इसी तरीके से काट लूँगी ये देखिए मैंने स्लीव को काट लिया है ये देखिए ये दोनों स्लीव हैं और इनको मैंने दोनों को सीधी साइड जोड़ के रख दिया है ऊपर ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड पे मैं ये आ, मार्किंग कर ली हूँ ये फ्रंट साइड पे जाएगा शेप तो ये मैंने शेप काट लिया है ऐसे ये फ्रंट साइड पे जाएगा दोनों स्लीव का काट लिया है योग काटने के लिए मैंने फैब्रिक डबल करके ये बॉक्स बना दिया है ये मैंने साढ़े सात इंच योग लिया था तो यहाँ पे भी मैं साढ़े सात इंच ही ले रही हूँ और ये साढ़े चार इंच मैं नीचे ऐसे ले रही हूँ तो ये बॉक्स बन गया इस तरीके से और इसके ऊपर अब हम ये फ्रंट साइड अपना रखेंगे और ये देखिए फ्रंट साइड रख के हमें ये नेक का मार्किंग कर देना है और हमारा शोल्डर का जो है वो ऐसे ट्रेस कर देना है सेम टू सेम नेक की डेप्थ मैंने डेढ़ इंच ली है यहाँ पर और ये साइड पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके और तिरछी लाइन खींच दी है ऐसे इसी शेप में आपको बस काट देना है इसको और ये देखिए हमारा योग रेडी है ये मैंने योग काट दिया है ये हमारे फ्रंट के दो पल्ले हैं इनको मैंने रॉन्ग साइड पे रखा है और ये देखिए मैं इस तरीके से ये प्लैकेट जो है वो फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से आपको प्लेकेट फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे सेम करना है इसी तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई लगा देनी है ऊपर ये देखिए ये एक या आप पौने एक इंच की बना सकते हो प्लेकेट तो ये मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया इसको दोनों पल्लों पे प्लेकेट को फ़ोल्ड करके मैंने स्टिचिंग लगा दी है और ये देखिए अब ये जो वेस्ट है ऊपर इसको मैं ऐसे काट दूँगी दोनों साइड का जो है वो काट देंगे इस तरीके से पहले नहीं काटना बाद में फ़ोल्ड करके काट सकते हो तो ये हमारे फ्रंट फर, के पल्ले दोनों रेडी हैं अब ये बैक साइड पे हमने ये मैंने सीधी रखी है बैक और सीधा योग रखा और इनको ऐसे मिला दिया और इन दोनों को मिला के इस तरीके से मैंने ये हाफ़ इंच छोड़ के मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बस ये दोनों बैक और फ्रंट के पले हैं दोनों सीधी साइड पे हैं और इनको मैंने ऐसे उल्टा के और तीरे मिला दिए और यहाँ पर हाफ इंच छोड़ के ऐसे सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे ये उल्टी साइड ऊपर मैंने रख दिया और दोनों आ, सीधी साइड मैच कर दिए हैं बस इस तरीके से मैंने ये देखिए सिलाई लगा दी और ये अटैच हो गए हैं आपस में ये बैक और फ्रंट मैंने मिला दिया है और ये देखिए अब इस तरीके से शर्ट रेडी हो गई है इसको बस अब हमने यहाँ पे काट देना ये जो है ना शेप को सीधा कर देना दोनों साइड से अगर आपको लग रहा है कि टेढ़ी है थोड़ी सी तो आपको बस इसको ऐसे सीधा कर देना है अब योग पे मैं दोनों साइड पे इस तरीके से मार्किंग कर दूँगी ताकि हमें पता चल जाए कि यह इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है ये स्लीव को लेके हमने इसकी जो बैक वाली साइड है जहाँ पे हमने गुल आ, शेप नहीं दी उस साइड पे हमने अपना एक प्लेकेट निकालना है जो हमारी स्लीव पे होती है तो उसके लिए हमें इसका हाफ़ करना पड़ेगा जैसे छः था तो मैंने तीन कर लिया और ऊपर मैंने चार इंच का ले लिया ताकि मैं चार इंच की प्लेकेट की लेंथ ले सकूँ तो मैंने चार इंच पर निशान लगा दिया बस इस तरीके से ये सीधी लाइन को हमने काट देना है ये उस साइड पर है जहाँ पर हमने फ्रंट की वो जो शेप है वो नहीं दी है बैक वाली साइड पर तो जहाँ पर गोल शेप है वहाँ पर हमने इसको लगा दिया अब इसको बस इस तरीके से फोल्ड कर देना है हम लॉन्ग साइड पे ताकि स्टिचिंग ना दिखे बस लॉन्ग साइड पे दो इस तरीके से आपको फ़ोल्ड कर देना है और ये हमारी प्लेकेट रेडी हो जाएगी ये देखिए मैंने स्टिचिंग लगा दी है इसके ऊपर और ये हमारी प्लेकेट जो है इस तरीके से रेडी हो गई है दोनों साइड पर सेम अब स्लीव को शर्ट के साथ मैच करना है ये दोनों को मैंने सीधी साइड पे रखा है अब इसको उल्टा करूँगी तो ये दोनों सीधी साइड आपस में मिल जाएंगी और ऊपर उल्टी साइड आ जाएगी ये देखिए हाफ हाफ़ करके मैंने जो मार्किंग लगाई थी स्लीव का भी हाफ़ और योग का भी हाफ किया और इसको बस इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और स्लीव अटैच हो जाएगी ये इसी तरीके से लगेगी ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा देनी ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी अच्छे से और बैक वाली साइड पे बैक वाली साइड और फ्रंट की जो मैंने शेप ली उसकी साइड के फ्रंट वाली साइड मैंने स्लीव अटैच कर दी दोनों साइड पे मैंने इस तरीके से कर दी है अब बस हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से साथ ही स्लीव की लगा देनी है तो स्लीव और ये हमने कमर और बस्ट वगैरह हिप का सारा ये मार्किंग ऐसे सीधा कर देना है यहाँ से इस तरीके से सारी सिलाई आ जाएगी यहाँ पे एक इंच का मार्जिन छोड़ा था हमने तो ये देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी स्लीव भी हमारी ये सब कुछ हमारा अटैच हो गया है और ये हमारी शर्ट अब बस रेडी अब इस पर कफ और कॉलर लगना बाकी है कफ काटने के लिए मैंने ये ग्लेस पेपर लिया है तो इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया और फिर से एक बार फोल्ड कर दिया क्योंकि दो कफ कटने आठ इंच का कफ है तो यहाँ पे मैं चार इंच पे मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने फोल्ड किया हुआ है तो चार इंच पे मार्किंग कर दी और इसकी जो विर्थ होगी वो चार है और लेंथ दो है तो मैंने दो इंच पे मार्किंग कर दी तो ये यह देखिए दो इंच पे मैंने मार्किंग कर दी और ये यहाँ पे मैंने चार इंच पे कर दी इस तरीके से बॉक्स बन गया है बस इन लाइंस को भी मिला के और एक जो कफ की शेप होती है गोल सी वो दे देनी है जो भी शेप देना चाहो वो दे सकते हो लेकिन मैंने गोल शेप दी है तो बस इस एक किनारी से गोल शेप दे दी और इसको काट दिया ये हमारे दोनों कफ इस तरीके से रेडी हो जाएंगे ये ग्लेस पेपर के ऊपर मैं काट रही हूँ यहाँ से भी ये देखिए यहाँ पे हमने अलग कर देना इनको और इस तरीके से ये दो कफ़ रेडी हो जाएंगे ये इस कपड़े के ऊपर मैंने कफ़ को पेस्ट कर दिया है दोनों कफ को इसी तरीके से पेस्ट कर देना है और ये एक एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लिया है एक दूसरे के ऊपर रख के बस इस तरीके से साथ साथ में सिलाई लगा देनी है यहाँ से यहाँ से साथ साथ सिलाई लगा देनी है यहाँ नीचे सिलाई नहीं लगानी बस साथ साथ और ये देखिए मैंने सिलाई लगा, लगा के अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ये देखिए दोनों कफ़ को मैंने इस तरीके से सिलाई लगा के कर लिया था और अब इनको मैं खोल लूँगी यहाँ पर जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम काट लेंगे ताकि अच्छे से ये खुल जाए ताकि इसकी शेप ना बिगड़े और यहाँ से छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे हम क्योंकि जहाँ पे राउंड होता है वहाँ पे फिर अच्छे से खुल जाता है तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं बिल्कुल साथ साथ में सिलाई नहीं कर देनी बिल्कुल साथ साथ में लगाने हैं ये देखिए इस तरीके से कट लगा के और ये मैंने खोल दिया अभी ये हमारे कफ रेडी हैं इस तरीके से ग्लीस पेपर वाले कफ़ को हमने यहाँ पे साथ साथ में स्टिच कर देना है ये स्लीव के ये देखिए दोनों साइड पे मैंने इस तरीके से स्टिच कर दिया है ये देखिए ये भी एक साइड ही अटैच हुई है एक साइड करनी बाकी है अभी ये यहाँ पे एक प्लीट भी हमने डाल दिया है और ये हमारे कफ़ रेडी हैं बस ये वाला जो अभी खुला है हिस्सा इस इसको भी हम सिलाई कर देंगे इसको सिलाई करने के लिए इस तरीके से पहले ये जो है फैब्रिक इसको बीच में करके और ऊपर से इसको फोल्ड करके इस तरीके से हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से कफ़ बैठ जाएगा ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना मैं आप सबके रिप्लाई कर दूँगी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना मैं आपकी सारी क्वेरीज दूर कर दूँगी देखिए अब मैंने कफ अटैच कर दिया है कितने नीट एंड क्लीन तरीके से एक अटैच हो गया कफ कॉलर काटने से पहले हमने अपना नेक मेजर कर लेना उसी तरीके से हम अपना कॉलर काटेंगे तो ये पूरा राउंड राउंड हमने इसको मेजर कर लेना मेरा नेक था सेवनटीन तो सेवनटीन का हाफ हो गया एट पॉइंट फाइव तो एट पॉइंट फाइव मैंने यहाँ पे ले लिया ये पहला बॉक्स दो इंच का और दूसरा डेढ़ इंच का तो टोटली साढ़े तीन है लगाया निशान और ये हमारा साढ़े आठ था तो ये देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है ये जो दो इंच वाला था इसमें हमने इस तरीके से निशान लगाने हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बस थोड़ा थोड़ा छोड़ना है आप वन फोर्थ लगा लो वन फोर्थ मैंने छोड़ा है दोनों से इस तरीके से चार निशान लगाए और यहाँ पर आगे हमने एक इंच की मार्किंग करनी है एक इंच की मार्किंग करके यहाँ से भी एक इंच की मार्किंग करनी है छोटे बॉक्स में और ये एक हमने बॉक्स बना दिया और और यहाँ पे एक शेप दे दी गोल सी हमने और यहाँ से गोल शेप देके और यहाँ से तिरछा सा हमने एक निशान लगा देना अपने अंदाजे से थोड़ा सा छोड़ के ये तिरछा सा निशान, निशान लगा के ये बैन हम बना रहे हैं जो कॉलर का बैन होता है और ये देखिए यहाँ से मैंने जो निशान लगाया था वो थोड़ा सा वन फोर्थ छोड़ के उस निशान से हमने ये जो हमने बनाई है शेप अभी इसको हमने इस तरीके से मैच कर देना है ये देखिए मैंने मैच कर दी और ऊपर भी इसी तरीके से हमने मैच कर देनी है वही वाले निशान से अब ये ऊपर वाला जो है वहाँ पे भी हमने सेम एक इंच छोड़ना है अब उसके ऊपर ही हाफ़ इंच का मैंने और निशान लगा दिया हाफ इंच के आगे ही बिल्कुल हमने हाफ इंच और न... का निशान लगा दिया देखिए ध्यान से पहले ये लगाया फिर ये और फिर ये और अब हमने क्या करना है ये जो हमारा निशान लगाया था हमने इस निशान को इस निशान से मैच करके तिरछी लाइन लगा दी और ये जो निशान लगाया था हमने ये दो निशान लगाए थे इसको पहले इससे मैच कर देना है इस तरीके से तिरछा निशान यहाँ पे भी लग गया और ऊपर जो है उसको हमने एक शेप देनी है तो ये देखिए ये हो गया और इसको शेप देनी है इसको इस तरीके से पहले यहाँ तक हमने लगा दिया इस तरीके से लाइन और फिर आगे हमने इसको जैसे कॉलर की शेप होती है इस तरीके से कॉलर की हमने शेप दे दी तो ये हमारा कॉलर की शेप अब इसको हमने बस काट लेना है देखिए मैं कैसे काट रही हूँ ध्यान से देखना कौन कौन सी लाइन में काट रही हूँ मैंने अपने बैन और कॉलर को कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और पेस्ट करने के बाद सेम सेम फैब्रिक लेके इनको ये देखिए डबल कर दिया ये दोनों को डबल कर दिया जैसे कफ को किया था और यहाँ पे भी हमने स्टिचिंग लगानी है साथ साथ में स्टिचिंग लगा देनी है बस और ये नीचे नहीं लगानी ये देखिए साथ साथ में मैंने स्टिचिंग लगा दी है इसको अब हम खोल देंगे ये कॉलर हमारा रेडी है इसके ऊपर ऊपर हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है साथ साथ में बिल्कुल यहाँ से देखिए यहाँ से और ये ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है अब हमने इनको हाफ करके यहाँ पे निशान लगा देने देखिए मैंने ये लगा दिया कॉलर पे भी बैन पे भी और बैन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इनको बस हमने इस तरीके से मैच करके एक सैंडविच बना के रख देना है पहले मैंने ये फैब्रिक लिया बैन का फिर उसके ऊपर कॉलर रखा और फिर उसके ऊपर जो पेस्टिंग वाला बैन था वो रखा तो ये तीन हो गए बस अब तीनों को इकट्ठा करके हमने इस तरीके से बैन के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है साथ साथ में देखिए मैंने किस तरीके से रखा इसको प्लीज़ फिर से ध्यान से देख लेना और बस इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी अब ये देखिए ये कॉलर जो हमारा था वो बीच में अब आ गया है तो ये हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो गया ये देखिए इसको अब खोल देंगे इस तरीके से हम अब हमें इस कॉलर को हमारी शर्ट के साथ अटैच करना है तो ये देखिए नेक है ये सीधी साइड मैंने पकड़ी हुई है और ये यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक बीच में है उस फैब्रिक को बस साथ साथ में हमने नेक के लगाई जाना है और ये इस तरीके से लग जाएगा जैसे हमने कफल कराया था पहले एक साइड जोड़नी है फिर दूसरी बस उसी तरीके से करना है पहले एक साइड ये जो पेस्टिंग वाली है उसको पूरे राउंड लगा देना है इस तरीके से देखिए मैं लगा रही हूँ ये नेक है हमारा और ये ऊपर मैंने कॉलर रखा और बस साथ साथ में सिलाई लगा के पूरा लगा दिया ये देखिए मैंने लगा दिया है कितना अच्छे से लग गया ये ये एक साइड अभी अटैच करने वाली है तो इसको बस कफ़ की तरीके से हमने इस तरीके से कि फैब्रिक को बीच में करके और फिर ऊपर फोल्ड करके हमने इसको सिलाई लगा देनी है बस ये देखो ये फैब्रिक को मैंने अंदर कर दिया और इसके ऊपर से ये जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके और बस इसके ऊपर अच्छे से बिठा के और सिलाई लगा देनी है ये देखिए हमारा कॉलर जो है वो अच्छे से लग गया अब अब हमें बस बॉटम की फोल्डिंग करनी है जो नीचे था उसको बस फोल्ड करना है बहुत इजी है वो भी बस थोड़ा थोड़ा इसको फ़ोल्ड कर देना है हाफ हाफ इंच के करीब आपको इस तरीके से बस फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है हमारा शर्ट रेडी है बस इसके ऊपर हम अब हमने लगा देने हैं बटन और हमारा शर्ट जो है वो बिल्कुल रेडी है तो ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है देखिए कितना अच्छा बना है मैंने बटन लगा दिए मैचिंग और बहुत अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय